नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत अनुसंधान के सोपान स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इस शीर्षक के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। यह जो शीर्षक है वह UGC नेट फर्स्ट पेपर में बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह जो शीर्षक है इसके बारे में नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जानें, इसके बारे में ध्यान से समझें। बहुत अधिक इसमें स्टेप्स नहीं हैं, मुख्य रूप से 7 स्टेप्स होते हैं, 7 सोपान होते हैं। इनका क्या क्रम है, इस क्रम को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 7 स्टेप्स हैं अनुसंधान के, उनको क्रम से याद कर लेना, समझ लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप देखेंगे सीधा सीधा जो प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में, उसमें एक प्रश्न तो यह पूछा गया कि बताया निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्रथम सोपान है। या दूसरे प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपको 4 या 5 अनुसंधान के जो स्टेप्स हैं वो दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करें, सिस्टमैटिक ढंग से उसको एक के बाद एक क्रम से आप इसको व्यवस्थित करें। इस प्रकार के प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में अनुसंधान के सोपान से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही आवश्यक हो जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी इन सभी सोपानों को क्रमबद्ध तरीके से समझ लें, याद कर लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखें अनुसंधान के सोपान। अनुसंधान के जो सोपान हैं तो बहुत यह निश्चित नहीं है कि इसमें ये 7 ही हैं, मुख्य रूप से 7 बताए गए हैं, लेकिन इनके कुछ स्टेप्स को एक साथ मिला करके स्टेप्स को कम भी किया जा सकता है, जो 7 सोपान है उसे कम भी किया जा सकता है, या किसी एक स्टेप को हम 2 या 3 स्टेप्स में विभाजित करके इसके जो सोपान है उसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। सबसे पहले जो मुख्य 7 सोपान है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला जो चरण है, पहला जो सोपान है वह है अनुसंधान समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इस सोपान पर जो अनुसंधानकर्ता होते हैं एक समस्या का चयन करते हैं। किसी भी शोध कार्य को प्रारंभ करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि एक समस्या हो, एक प्रॉब्लम, बगैर इसके हमारा अनुसंधान का प्रारंभ नहीं होगा। अब यह अनुसंधान में यह जो समस्या है वह कैसे आती है, तो यह समस्या जो हमारे विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ता होते हैं, वे यदि किसी फील्ड में लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं जिसको कि वे अनुभव कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके मन में एक प्रश्न उठता है और यही प्रश्न एक समस्या के रूप में निर्मित किया जाता है, जिसका कि समाधान, जिसका जिसके संदर्भ में वह शोधकर्ता निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहता है, या जो शोधकर्ता होते हैं उनके मन में जिज्ञासा होती है, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वे एक प्रश्न, एक समस्या कथन का निर्माण करते हैं। तो यह रहा पहला स्टेप, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, यहीं से अनुसंधान कार्य प्रारंभ होता है। दूसरा स्टेप है परिकल्पना का प्रतिपादन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब अनुसंधान समस्या का चयन कर लिया जाता है तो उसके बाद दूसरे स्टेप पर इससे संबंधित, समस्या से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। ये जो परिकल्पनाएं होती हैं किसी भी शोध कार्य को सही दिशा पर ले जाने में सहायक होती हैं। यदि परिकल्पनाओं का निर्माण न किया जाए तो हो सकता है कि जो हमारा रिसर्च कार्य है वह सही दिशा में अग्रसर ना हो, बल्कि वह सही दिशा से भटक भी सकती है। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है अनुसंधान समस्या का चयन करने के बाद दूसरे स्टेप पर परिकल्पना का निर्माण करना। नेक्स्ट है अनुसंधान अभिकल्प की रचना। इस अनुसंधान के इस सोपान पर, इस चरण पर जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वे
अनुसंधान से संबंधित संपूर्ण जो रूपरेखा होती है उसको यहाँ पर वह निर्मित करते हैं, एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत वे यह निर्धारित करते हैं कि संपूर्ण अनुसंधान कार्य के दौरान कौन कौन से कार्य कब कब कैसे किए जाने हैं। इसमें यह भी निर्धारित करते हैं कि वह जो अनुसंधान कार्य करेंगे किस विधि से उसको करेंगे, उसका जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह क्या होगी, उसमें से जो सैंपल चूज़ करेंगे वह कितना बड़ा होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स सम्मिलित किए जाएंगे, फिर उनसे डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद इसमें कौन सी स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाएगा, जो सांख्यिकी विधियां हैं कौन सी सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद जो विश्लेषण किया जाना है विश्लेषण कैसे करना है, परिणामों को कैसे प्राप्त करना है, परिणामों का फिर आप जांच करनी है, फिर उसका सामान्यीकरण करना है, ये सारी चीज़ें ये सब इसी स्टेप्स में निर्धारित कर लिए जाते हैं। यही क्या है, अनुसंधान अभिकल्प होता है, रिसर्च डिज़ाइन, इसको तैयार करना। तो जब यह तैयार कर लिया जाता है तो जो अनुसंधान करता है इसमें जो भी चीज़ वह निर्मित किए हैं उसके अनुसार एक के बाद एक आगे बढ़ते रहते हैं और अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करते हैं। अगला स्टेप है हमारा प्रतिदर्श का चयन, बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है यह। यहाँ पर सैंपल का चयन करना, जो हमारी जनसंख्या है जनसंख्या में से हम प्रतिदर्श को कैसे चयनित करें। अब इसके लिए जो हमारा सैंपल सिलेक्शन होता है उसके लिए कुछ विधियाँ निर्धारित की गई हैं, उन विधियों का प्रयोग करके सैंपल का चयन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है, जब सैंपल का चयन कर लिया गया तो उनसे आंकड़ों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन करना। जब डेटा का कलेक्शन कर लिया जाएगा तो अगला स्टेप क्या होगा, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा, जब हम अपने डेटा का एनालिसिस कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, तो अब नेक्स्ट क्या है, परिणामों को प्राप्त करना और उनका सामान्यीकरण। तो मुख्य रूप से ये हमारे 7 सोपान हैं अनुसंधान के और उनका यह क्रम है। इस क्रम को याद करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इनमें से कोई भी 4 या 5 आपको उल्टे सीधे क्रम में ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको आप क्रम से व्यवस्थित करें, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विगत वर्षों में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है, तो वह है अनुसंधान समस्या का चयन। आइए अब देखें, यह जो मुख्य रूप से 7 स्टेप हैं, सोपान हैं, इसमें एक और प्रमुख तत्व आता है, वह है साहित्य की समीक्षा। यहाँ पर उसे किसी क्रम में नहीं रखा गया है क्योंकि साहित्य समीक्षा एक ऐसा सोपान है जो हमारे इन 7 मुख्य सोपान में से कई सोपानों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं, इसे देखिए, हम यह इस एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। देखें, साहित्य सर्वेक्षण, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर का जो रिव्यू हम करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, वह आप देखेंगे यहाँ पर परिकल्पना का निर्माण करने या सबसे पहले अनुसंधान समस्या। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं, आप देखेंगे कि किसी भी समस्या का चयन करने के लिए यदि वह अनुसंधान करने जा रहे हैं, कुछ उनके मन में जिज्ञासाएं हैं, तो सबसे पहले वह क्या करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं से संबंधित बहुत से वह लिटरेचर्स को ढूंढते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमारे मन में जो जिज्ञासाएं आ रही हैं, जो प्रश्न उठ रहा है, क्या इससे संबंधित कोई कार्य पूर्व में किया गया है, और अगर किया गया है तो कितना किया गया है, क्या सही ढंग से किया गया है, कुछ कमियां हैं उसमें, कुछ छूटा है, इस प्रकार का वह अध्ययन करते हैं और विभिन्न निर्णयों को वहाँ पर लेते हैं। और जब एक बार वे अनुसंधान समस्या के चयन से पूर्व जब साहित्यों का अध्ययन कर लेते हैं, साहित्य सर्वेक्षण कर लेते हैं, तब वे
एक एप्रोप्रिएट अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं। और जब अनुसंधान समस्या का चयन कर लेते हैं तो अब बारी आती है परिकल्पना, परिकल्पना का निर्माण करने की। तो आप देखें किसी भी क्षेत्र में जो परिकल्पना होती है, एक अच्छी परिकल्पना वही होती है जो उस क्षेत्र से संबंधित परिकल्पनाओं के समान हो। तो इसके लिए फिर से जो अनुसंधान करता है उनको साहित्य सर्वेक्षण करना पड़ता है, फिर से जो भी रिलेटेड लिटरेचर्स हैं उनका रिव्यू उन्हें फिर से करना पड़ता है, ताकि उस क्षेत्र से संबंधित जिस प्रकार की परिकल्पनाएं पूर्व में बनाई गई हैं वैसी ही परिकल्पनाओं का निर्माण में फिर से कर सकें। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे अनुसंधान अभिकल्प। अनुसंधान अभिकल्प है जो रिसर्च डिजाइन है, इसको बनाने में भी साहित्य सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी अनुसंधान कार्य को करने के लिए जो उसका डिज़ाइन, जो उसका स्वरूप तैयार किया जाता है, इसके निर्मित करने में साहित्य सर्वेक्षण बहुत ही सहायक होता है। एक अनुसंधानकर्ता रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करने में बार बार साहित्य सर्वेक्षण करके देखते हैं कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कौन क्या क्या कैसे किया जाए। तो रिसर्च डिज़ाइन बनाने में भी साहित्य सर्वेक्षण बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे जब सामान्यीकरण की बारी आती है उस समय भी साहित्य सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका को यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करती है। आप देखेंगे सामान्यीकरण करने में भी साहित्य सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कोई एक ऐसा स्टेप नहीं है जो कि किसी एक स्थान पर फिक्स हो जाना है कि इसके बाद फिर नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। साहित्य सर्वेक्षण विभिन्न सोपानों के पहले या उसके बाद हर जगह इसका प्रयोग होता रहता है। जहाँ पर भी अनुसंधानकर्ता को कुछ समस्या आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, या किसी प्रकार का वहाँ पर उनको कुछ शंका उत्पन्न होती है, तो अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए वे विभिन्न जो भी साहित्य हैं उनका सर्वेक्षण, पूर्व में जो भी कार्य हो चुके हैं वह आप देख सकते हैं साहित्य सर्वेक्षण के अंतर्गत जो पूर्व के शोध कार्य हो चुके हैं उनका अध्ययन करना, या जो शोध कार्यों से संबंधित जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनका अध्ययन करना, इन सब का अध्ययन करके वे अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या जो हमारा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साहित्य सर्वेक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जिसका कोई फिक्स स्थान तो नहीं है, लेकिन वह हमारे विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न सोपानों पर सहायक रूप से यह एक शोधकर्ता की सहायता करता है। तो ये मुख्य रूप से अनुसंधान के 7 सोपान हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो अनुसंधान के सोपान हैं यह फिक्स नहीं हैं, ये घट बढ़ सकते हैं। तो कैसे घट बढ़ सकते हैं, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं इसके कुछ सोपानों को आप एक साथ मिला सकते हैं। जैसे आप देखिए अनुसंधान अभिकल्प है, अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत ही प्रतिदर्श को रखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रतिदर्श को हटा दें तो वह अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत ही आ जाएगा, जहाँ पर आप यह निर्णय लेते हैं कि आपका जो अनुसंधान कार्य है, शोधकर्ता यह निर्णय लेता है कि हमारा जो अनुसंधान कार्य होगा उसकी विधि क्या होगी, हमारा जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन हमको कैसे करना है, प्रतिदर्श में कितने लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे। तो ये सब हमारा अनुसंधान अभिकल्प जो रिसर्च डिजाइन है उसके अंतर्गत ही आ जाता है। तो यह जो प्रतिदर्श है इसको हम अनुसंधान अभिकल्प के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें तो अब कितने स्टेप्स रह जाएंगे, 6 स्टेप्स रह जाएंगे। तो इस प्रकार से कम हो जाएगा। कर यदि इसे बढ़ाना है तो अनुसंधान अभिकल्प में ही कई चीज़ों को तोड़ के आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आंकड़ों का विश्लेषण है, आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण के बाद परिणाम, परिणाम की प्राप्ति, फिर परिणामों की जाँच, फिर लास्ट में सामान्यीकरण, फिर सिद्धांत का निर्माण, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार आप ये जो सोपान हैं उनको घटा या बढ़ा सकते हैं। आइए एक उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए कोई भी जो रिसर्च होता है, जब शोधकर्ता
कोई शोध कार्य प्रारंभ करते हैं, अनुसंधान को प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले समस्या का चयन करने से पहले यह जरूरी होता है कि हमें अनुसंधान कार्य किस क्षेत्र में करना है, किस विषय से संबंधित करना है, इसका निर्धारण करना है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें तो अनुसंधान का जो पहला सोपान आ जाता है वह है अनुसंधान क्षेत्र या विषय का चयन। अनुसंधान क्षेत्र या विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया और टॉपिक, तो सबसे पहला ये आ जाता है। दूसरा है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। अब जब आप अनुसंधान से संबंधित एक एरिया, इसका आपने चयन कर लिया, एक विषय का चयन कर लिया, तो केवल एरिया का चयन करने या विषय का चयन करने से काम तो चलना नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें एक समस्या तक पहुंचने के लिए, समस्या का चयन करने के लिए क्या करना है, उस क्षेत्र विशेष से संबंधित या उस विषय विशेष से संबंधित जो भी साहित्य हैं या जो भी शोध कार्य पूर्व में हो चुके हैं उनका अध्ययन करना। तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया जाता है उस क्षेत्र विशेष में जितने भी शोध कार्य हुए हैं, और उसके पश्चात उससे जो भी रिसर्च में गैप्स अनुसंधानकर्ता देखता है या जो कमियां पाता है उसके आधार पर वह एक अनुसंधान समस्या का चयन करता है। और जब अनुसंधान समस्या का चयन कर लेते हैं तो फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद अनुसंधान अभिकल्प की रचना करते हैं। और फिर अब देखिए यहाँ पर इस में आप देखेंगे, पहले जो मैं मुख्य रूप से साथ बताया था उसमें अनुसंधान अभिकल्प की रचना या जो पांचवा स्टेप है हमारा, इसके बाद मैं आपको बताया था सैंपल सिलेक्शन, लेकिन यहाँ पर सैंपल सिलेक्शन अगले स्टेप पर नहीं आ रहा है। अब क्या आ रहा है, आंकड़ों का संकलन। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वह है आंकड़ों की व्यवस्थापन एवं विश्लेषण। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना और फिर उनका विश्लेषण करना। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है परिकल्पना का सत्यापन। जब हम आंकड़ों का विश्लेषण कर लेते हैं तो आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हम जो परिकल्पना निर्मित किए थे, जिन परिकल्पनाओं को हम बनाए हुए थे, अब उन परिकल्पनाओं को वेरीफाई करने का समय आता है, उनको सत्यापित करने की आवश्यकता होती है कि हम जिन परिकल्पनाओं को लेकर चले थे क्या वे सत्य हैं, वे स्वीकार हो रहे हैं या अस्वीकार हो रहे हैं। तो यह आठवां स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, अब आता है परिणामों का सामान्यकरण, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, यह हो जाता है। और लास्ट आता है हमारा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। देखिए कोई भी शोध कार्य किया जाता है तो लास्ट में उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसको कि शोध प्रबंध जो लिखा जाता है वह, तो प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया इसमें अनुसंधान के कुल 10 सोपान हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्टार्टिंग में बताया 7 वही हैं, उसी में आवश्यकता के अनुसार जो जो उस अनुसंधान कार्य में आप जैसे जैसे कार्य को करते हैं, अनुसंधान कार्य को करते हैं, उसको आप स्टेप्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए कुछ स्टेप्स को आप एक साथ सम्मिलित करके एक स्टेप में भी आप उसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, कम कर सकते हैं, या किसी एक को 2 या 3 स्टेप्स में तोड़ करके आप उसको अधिक संख्या, अधिक सोपानों में भी आप उसको निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुसंधान के सोपान के बारे में बताया। तो मुख्य रूप से अनुसंधान के सोपान 7 हैं, और इसमें जो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण है, रिलेटेड लिटरेचर है, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपके विभिन्न स्तरों पर, उन स्तरों के निर्माण में, उन स्तरों पर जो भी कार्य अनुसंधानकर्ता को करने हैं उसमें यह साहित्य सर्वेक्षण रिलेटेड लिटरेचर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अब जब भी यदि आपसे नेट फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो इन सोपानों को आप ध्यान में रखें जो मैं बताया हूँ। इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित ही जो भी प्रश्न दिया जाएगा उनको आप क्रम से व्यवस्थित करने में निश्चित ही सफल रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और